मुलाकात इससे पटना में हुई थी जब मास्टर साहब के साथ मेरे आवास पर पटना गई थी। उस वक्त ही हमने कहा था कि हम आएंगे तुम्हारे घर पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश हैं हम। जिस प्रतिभा का प्रदर्शन इसने किया है उसमें भी इसको ख्याति मिले देश विदेश में। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस समय उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जोरों पर है। जी हाँ, आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा वैसे तो कहा जाए तो जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए। चर्चा के पीछे कारण ये है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि जदयू से नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने मीडिया में बयानबाजी भी शुरू कर दी है। जी हाँ, जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपना रुख जाहिर किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम जदयू से ऐसे नहीं जाएंगे बल्कि जदयू से अपना हिस्सा वापस लेकर जाएंगे। इन सब के बीच आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा इस समय रोहतास जिले के दौरा पर हैं और रोहतास जिले के तिलौथू ब्लॉक के पतलुका स्कूल में भ्रमण कर रहे हैं। और वहीं पतलुका स्कूल है जहां के जो छात्रा है वायरल गर्ल श्रोणी है, जिसका गाना जो है रातों रात वायरल हुआ था, और उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा उसको प्रोत्साहित करने के लिए रोहतास जिले के पतलुका के उसके स्कूल पहुंचे थे, उसको सम्मानित किए। सम्मानित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुनिए क्या कुछ कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। साथ है मुलाकात इससे पटना में हुई थी जब मास्टर साहब के साथ मेरे आवास पर पटना गई थी। उस वक्त ही हमने कहा था कि हम आएंगे तुम्हारे घर पे, तो हम आए हैं और हम सब लोग आशीर्वाद देने आए हैं इसको। इसके लिए हम सब लोगों की कामना है कि खूब आगे बढ़े। जिस प्रतिभा का प्रदर्शन इसने किया है उसमें भी इसको ख्याति मिले देश विदेश में, और फिर मन लगाकर पढ़े ताकि अपना परिवार का, बाकी समाज का, बिहार का, सबका नाम रोशन। सर एक सवाल करें, माननीय नीतीश कुमार जी को इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए? अब वो तो मुख्यमंत्री जी का सवाल है, बनाना चाहिए, लेकिन उसमें हम, क्योंकि सर ये समाज के लिए अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, इससे तो इसको देखकर तो जो छोटे छोटे दूसरे बच्चे हैं उसको प्रेरणा मिलेगी। तो इसको जितना प्रमोशन मिले उतना अच्छा है। सलोनी, कैसा लग रहा है सर से मिलकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश हैं हम। और आगे क्या करना चाहोगी सर के लिए? जैसे मुझे मदद किए हैं सर, वैसे भी जितनी भी लड़की आगे बढ़ना चाहती है सबको मदद करें सर। सर ऐसा क्या संभव हो पाएगा सर, लगातार जो भी बच्चियाँ वायरल हुई हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता हो तो आप जाइए? निश्चित रूप से, देखिए जितना कुछ हमसे बन पा रहा है उतना हम इसके लिए अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और जहाँ भी मुझसे जितना बन पाएगा आगे भी करेंगे, दूसरों के लिए भी करेंगे। सर को कुछ राजनीतिक सवाल सर लेना चाहेंगे? अब राजनीतिक सवाल उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने स्पष्ट तौर पर सलोनी को लेकर कहा कि सलोनी जो है काफी अभी जो उसका जो गाना वायरल हुआ था इसको लेकर पटना में भी मिले थे और उसके साथ प्रोत्साहित करने के लिए रोहतास जिले के उसके स्कूल में पहुंचे और उसको सम्मानित भी किए। इसके साथ जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि राजनीतिक को लेकर कुछ सवाल पूछा तो उससे वो बचते हुए नजर आए। वो बोले कभी कोई भी राजनीतिक सवालों का मैं जवाब नहीं देना चाहता। जी हाँ, पॉलिटिकल सवालों पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी साध ली और ये उनका रोहतास जिले का दौरा था। और आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से ओपन लेटर लिखकर 19 और 20 फरवरी को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है पटना बैठने के लिए, और उससे पहले रोहतास जिले का यह दौरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर चुप्पी साध ली कि नहीं, मैं पॉलिटिकल सवालों का मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, और इसके कहते हुए आगे बढ़ चले। इस खबर पर लगातार हम बने हुए, ऐसी खबरों के लिए बने लाइव फीड के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।